तो दोस्तों अगर बात करें अंडर 20,000 रुपीज स्मार्टफोन की तो आईक्यू Z7 ने अपनी जड़ें उस प्राइस सेगमेंट में बढ़िया से जमा रखी है और भले हो भी क्यों ना। यहाँ पर आपको 90 हर्ट्ज का एमोलेड डिस्प्ले मिलता है जो कि 1300 निट्स की पीक ब्राइटनेस देता है, 64 मेगापिक्सल का OIS कैमरा और साथ ही MediaTek Dimensity 920 चिपसेट। देखो ऑन पेपर आपको काफी चीजें कमाल की मिलती है, सुनने में तो आपको बढ़िया लगेगा, लेकिन क्या ऑफ द पेपर भी ये डिवाइस वैसा ही परफॉर्म करता है? हमने इसको इस्तेमाल किया लगभग 30 दिन से और हमारा ऑन एंड ऑफ एक्सपीरियंस रहा इस फोन के साथ। सभी चीजों के बारे में डिटेल में पता लगाएंगे इस वीडियो में। मैं हूं दिव्यकांत और चलिए शुरू करते हैं टेक की बात गाइडिंग टेक यानी GT हिंदी के साथ। अब कीमत भी इस फोन की लगभग 19,000 से शुरू होती है जिसमें आपको मिलता है 6GB रैम विद 128GB ऑफ इंटरनल स्टोरेज। अब बात करें ओवरऑल डिजाइन की तो यहाँ पर आपको फ्रंट की साइड में स्कॉट सेंसेशन यूपी का प्रोटेक्शन मिलता है, बैक की साइड और जो फ्रेम है इसका दोनों ही प्लास्टिक मिल जाते हैं। डिस्प्ले की और बात करें तो यहाँ पर स्क्रैचेस एज सच नहीं लगे हमारे यूसेज के दौरान और बैक भी जो प्लास्टिक बैक है वो आपको बढ़िया फील देता है ओवरऑल। तो इन हैंड फील के मामले में ओवरऑल डिजाइन के मामले में आपको ये फोन निराश नहीं करेगा। जितना अट्रैक्टिव बैक है इसका, फ्रंट की साइड थोड़ा सा ओल्ड स्कूल वाला डिजाइन मिलेगा आपको। यहाँ पर जो इसका वाटर ड्रॉप नॉच है वो उतना ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं लगता, जब आप यूज टू हो जाते हैं तो अपने आप ही इसको इग्नोर करने लगते हैं। बेजल्स आपको यहाँ पर बहुत पतले तो नहीं मिलेंगे लेकिन जो चिन है वो बाकी बेजल से थोड़ा सा थिक लगेगा आपको। यहाँ पर आपको नीचे 3.5mm जैक भी मिलता है। काफी मैन्युफैक्चरर्स है ना जो कहते हैं कि यार 3.5mm जैक नहीं दिया क्योंकि जगह बचानी थी, उसकी जगह कोई और एसेंशियल कंपोनेंट डाल देते हैं। यहाँ पर आपको वो चीज मिल जाती है, कुछ ऐसे कॉस्ट कटिंग नहीं करी है, लेकिन हाँ 3.5mm जैक इतने पतले फोन में मिलती है, इसकी क्वालिटी आपको बढ़िया मिल जाएगी। अगर आप हैवी हेडफोन्स भी चलाना चाहते हैं तो वो भी आप इसमें कर पाएंगे। अब इस फोन का जो हैप्टिक मोटर है वो मुझे इतना पावरफुल नहीं लगा। देखो पावरफुल इनफ है कॉल्स वगैरह के लिए, अगर आपके जेब में ये फोन पड़ा है तो कॉल्स के बारे में पता चल जाएगा, लेकिन उसके अलावा टाइपिंग एक्सपीरियंस अगर आपको चाहिए बहुत जबरदस्त टाइप का, एकदम फिनेस चाहिए अगर आपको मोटर में, तो वो चीज आपको यहाँ नहीं मिलेगी, लेकिन उसके अलावा आपको ठीक ठाक वाइब्रेशन फीडबैक मिल जाता है। इसका जो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है वो भी बढ़िया से काम करता है और ज्यादातर वक्त वो आराम से अनलॉक हो जाता है। अनलॉक करने के लिए आपको थोड़ा सा नीचे की साइड मिलेगा, ये अगर आप यूज टू नहीं है किसी और फिंगरप्रिंट सेंसर से आ रहे हैं तो हो सकता है आपको थोड़ा नीचे लगे। बात करें कॉल रिसेप्शन कनेक्टिविटी की तो यहाँ पर आपको मिलता है 6 5G बैंड्स और हमारे यूसेज के दौरान हमने यूज किया इसमें एयरटेल 5G और जियो 5G, दोनों ही बढ़िया से काम करते हैं। स्पीड टेस्ट में भी बढ़िया से आपको स्पीड मिल जाती है, हमारे रीजन में तो एटलीस्ट ये चीज मिल गई है। उसी के साथ अगर आप कॉल क्वालिटी की बात करें तो वो भी बढ़िया मिल जाएगी इस फोन में। गूगल डायलर मिलता है और वहां पर अगर आप रिकॉर्ड बटन दबाते हैं तो सामने वाले को अलर्ट करेगा कि हाँ रिकॉर्ड हो रहा है, और अगर आपको रिकॉर्डिंग नहीं चाहिए तो एक वीवो का ही अपना एक डायलर आता है उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें अलर्ट नहीं करेगा। लेकिन एक चीज़ आपको बता दूं कि ये लीगल नहीं है अगर आप किसी की आवाज़ रिकॉर्ड करते हैं बिना बताए। और इतना ही नहीं, अगर आप बिजी एनवायरनमेंट में हैं, बहुत शोर है आपके आसपास, तो सामने वाले को आवाज़ भी क्लियर सुनाई देती है। नॉइस कैंसलेशन माइक इसमें दिया गया है तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सेंसर्स के मामले में भी यहाँ पर आपको ये फ़ोन बढ़िया लगेगा, सारे मेजर सेंसर्स हैं लेकिन NFC आप अगर बहुत इस्तेमाल करते हैं तो वो चीज़ आपको यहाँ पर नहीं मिलेगी। लेकिन आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि NFC क्या आप बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं या नहीं, अगर करते हैं तो वो भी बताइए, किस लिए करते हैं वो भी बताइए। बात करें डिस्प्ले की तो 6.38 इंच का फुल HD प्लस रेजोल्यूशन वाला 90 हर्ट्ज का AMOLED स्क्रीन जो मिलता है वो सेगमेंट का सबसे ब्राइटेस्ट डिस्प्ले है, करीब 1300 निट्स तक की। HDR 10 प्लस और वाइड 1L1 का सपोर्ट भी मिल जाता है और नेटफ्लिक्स में भी आप HDR में मूवीज देख सकते हैं। नाउ प्राइस के हिसाब से आपको जो डिस्प्ले मिलता है, चाहे आप आउटडोर इस्तेमाल करें चाहे इंडोर्स में, यानी कि इंडोर्स में अगर आप मिनिमम ब्राइटनेस भी करेंगे तो आपको बढ़िया मिल जाती है, यानी कि काफी ज्यादा डिम भी हो जाता है और बहुत ज्यादा ब्राइट भी हो जाता है अगर आप आउटडोर विजिबिलिटी की बात करें तो। बाहर इस्तेमाल करेंगे चाहे आप डायरेक्ट सनलाइट के अंडर इस्तेमाल करिए, आपको दिक्कत नहीं आने वाली है इसके डिस्प्ले को लेके। यहाँ पर एक चीज है, बहुत सारे वीवो फोन्स में मैंने ये चीज नोटिस करी, इसका जो डिस्प्ले में सेटिंग मिलता है आपको ऑटो स्विच का, यानी कि ऑटो स्विच रिफ्रेश रेट का, जो कि ऑटोमेटिकली एडजस्ट करता रहता है रिफ्रेश रेट, उसको उतने बढ़िया से ऑप्टिमाइज नहीं किया गया है। ज्यादातर टाइम अगर आप ऐप इस्तेमाल करते हैं वो मोड ऑन करके तो नॉर्मली डिस्प्ले जो है 60Hz पे ही रहता है, जब आप इसको 90Hz पे मैनुअली स्विच करते हैं तब जाकर आपको एप्स में काफी फ्लूइड एक्सपीरियंस मिलता है, जो कि आमतौर पे होना नहीं चाहिए क्योंकि जब भी आप स्क्रॉल वगैरह करते हैं तो वो ऑटो स्विच का जो मोड है वो ऑटोमेटिकली 90Hz में चले जाना चाहिए, जो कि नहीं हो रहा है इस फोन में। अब एप्स जैसे कि गूगल क्रोम हो गया, गूगल फोटोज हो गए, साथ ही साथ अगर आप नॉर्मली प्ले स्टोर वगैरह में ब्राउज कर रहे हैं, स्क्रॉल कर रहे हैं, तो वहां पर कभी कभी जो ऑटो स्विच का ऑप्शन है उसमें 90Hz ट्रिगर नहीं करता है। तो अगर आप आईक्यू Z7 इस्तेमाल पहले से कर रहे हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इसको 90Hz मैनुअली रख के इस्तेमाल करें ताकि आपको बढ़िया
स्मूथ रिफ्रेश रेट मिले। लेकिन उसके अलावा आपको इसका डिस्प्ले जो है काफी बढ़िया लगेगा, काफी ब्राइट है, वाइब्रेंट है। उसके साथ अगर ओवरऑल मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस की बात करें, जहां पर मैं स्पीकर को भी इंक्लूड करना चाहूंगा, यहां पर आपको मोनो स्पीकर मिलता है, स्टीरियो नहीं मिलता है। लेकिन जो मोनो स्पीकर है इसका काफी लाउड है, उसमें एज सच प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। अब परफॉर्मेंस भी इस फोन की आपको बढ़िया मिलती है। मीडियाटेक डेमोंस्ट्रेटिव 920 चिपसेट जो है UFS 2.2 स्टोरेज के साथ आपको बढ़िया ओवरऑल एक्सपीरियंस देता है। और ये वाला प्रोसेसर जो है काफी बढ़िया परफॉर्म वैसे ही करता है, और इसकी ऑप्टिमाइजेशन यहाँ पर आपको बढ़िया मिल जाती है, जिसके कारण आपको ओवरऑल डे टू डे यूसेज ले लीजिए, चाहे आप थोड़ा हैवी ग्राफिक इंटेंसिव गेम्स भी खेल रहे हैं उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आप BGMI वगैरह खेल रहे हैं, COD वगैरह खेल रहे हैं, तो आराम से आप मीडियम सेटिंग्स में लंबे लंबे समय तक खेल सकते हैं। हीटिंग थ्रॉटलिंग थोड़ी सी ज्यादा है इसमें, 80% तक ये थ्रॉटल करता है। लेकिन उसके अलावा ऐप ओपनिंग, ऐप स्विचिंग, अगर आप मल्टीटास्किंग भी कर रहे हैं तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। इतना ही नहीं, रैम मैनेजमेंट भी इस फोन का आपको बढ़िया मिल जाएगा, आराम से 3 से 4 ऐप अपने मेमोरी में ये रखता है। देखो, आईको जो है परफॉर्मेंस सेंट्रिक फोन्स बनाने में माहिर है, और उसको ये फोन बढ़िया से डिफाइन करता है। नाउ सॉफ्टवेयर की बात करें तो ये फोन आया था एंड्रॉइड 13 आउट ऑफ द बॉक्स। अभी यहाँ पर हाल फिलहाल में सिक्योरिटी पैच अपडेट आया था, जिसमें आपको 1 अप्रैल की सिक्योरिटी पैच अपडेट मिल जाती है। अपडेट्स के मामले में देखो, मैं मानना पड़ेगा जो वीवो है और आईकू है दोनों बढ़िया से काम कर रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ कि यार शाओमी वगैरह को भी इनसे थोड़ा इंस्पायर होना चाहिए और अपडेट्स ज़्यादा जल्दी जल्दी लाना चाहिए उनको भी। लेकिन बहरहाल अपडेट के मामले में तो देखो बढ़िया है, लेकिन यहाँ पर आपको ब्लोटवेयर वगैरह मिल जाता है, ऐप इंस्टॉल करते हैं और वहाँ पर भी इंस्टॉल होते वक्त आपको ऐप के रिकमेंडेशंस और एड्स आते हैं, तो यहाँ पर आपको कुछ ब्लोटवेयर के साथ रहना पड़ेगा। नाउ कैमरे पे आए तो यहाँ पर आपको जो प्राइमरी कैमरा मिलता है इसका 64 मेगापिक्सल का OIS कैमरा, वो काफ़ी बढ़िया काम करता है। यहाँ पर अगर आप डेलाइट शॉट्स पे ध्यान दें, बढ़िया शेडोज में डिटेल मिलते हैं, HDR लेवल बढ़िया से कैप्चर करता है, एक्सट्रीम कंडीशन में भी इसका जो ओवरऑल कैमरा है काफ़ी बढ़िया परफॉर्म करता है। ज़्यादातर जगहों पर आपको कलर्स काफ़ी नेचुरल मिल जाएंगे, लेकिन कुछ कुछ जगहों पर जहाँ पर ग्रीन्स आ जाते हैं वहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा कलर को पॉप कर देता है। और इसका जो OIS है वो लो लाइट में एक्चुअली काम करता है, और वो चीज़ दिखती भी है कैमरा सैंपल्स पे। यहाँ पर अगर आप इस फोटो में ध्यान दें तो जूम करने के बाद भी आपको लो लाइट में बढ़िया से शार्पनेस मेंटेन करता है, इसका जो OIS है वहाँ अच्छे से फिगर करता है। बस एक चीज़ है, यहाँ पर अगर आप अल्ट्रा वाइड कैमरा से बहुत शूट करते हैं तो वो चीज़ आपको यहाँ पर नहीं मिलेगी, लेकिन उसके अलावा जो प्राइमरी कैमरा है वो सारी कमी पूरी कर देता है। बात करें सेल्फीज की तो यहाँ पर आपको सेल्फीज भी काफी बढ़िया मिल जाती है, सेल्फीज में HDR बढ़िया मिल जाती है, हेलो इफेक्ट आपको बहुत कम मिलता है। चाहे आप पोर्ट्रेट सेल्फीज ले लीजिए और चाहे आप बैक कैमरा से पोर्ट्रेट शॉट्स ले लीजिए, इन दोनों में ही आपको इसका जो ओवरऑल कैमरा है बढ़िया लगेगा। देखो, इसके कैमरे से ज्यादा मुझे बढ़िया लगा इसका ओवरऑल वीडियो परफॉर्मेंस। यहाँ पर आप इसके प्राइमरी कैमरा से शूट कर सकते हैं अपटू 4K 30fps, 1080p 60fps, और साथ ही फ्रंट कैमरा से भी आप कर पाएंगे 1080p 30fps। अब देखो, बेस्ट पार्ट ये है कि 4K 30fps में भी अगर आप इससे वीडियो शूट करते हैं तो आपको काफी स्टेबल वीडियोस मिलती है, जो कि बहुत काबिले तारीफ है इस प्राइस सेगमेंट वाले फोन्स में। कुछ कुछ जगहों पे थोड़ा सा जिटरी वीडियो मिलती है, जिटरी इन द सेंस इलेक्ट्रॉनिक जिटर जो होते हैं वीडियो में वो चीज मिल जाती है, लेकिन ओवरऑल आपको काफी स्टेबल वीडियोस मिलती है। 1080p 60fps की वीडियोस भी आपको काफी स्टेबल मिल जाएगी, और फ्रंट कैमरा से आप 1080p 30fps तक शूट कर सकते हैं। स्टेबिलिटी आपको फ्रंट कैमरा में नहीं मिलती है, लेकिन जो क्वालिटी आपको ठीक ठाक मिल जाएगी। नाउ रही बात बैटरी की, तो यहाँ पर आपको मिलता है 4500 mAh की बैटरी, उसके साथ 44 वॉट्स का इनबॉक्स चार्जर। अब चार्जिंग स्पीड के मामले में और बैटरी बैकअप के मामले में दोनों में ही आपको ये फोन बढ़िया मिलेगा। एक दिन की बैटरी बैकअप आराम से देता है, यानी कि मैं करीब 8:30-9 बजे तक इसको चार्ज से निकालता था और शाम तक आराम से इस फोन को चला देता था। और चार्जिंग स्पीड के मामले में भी ये फोन आपको बढ़िया मिलेगा, करीब 44 वाट्स का जो चार्जर है 1.5 घंटे के अंदर अंदर इस फोन को 0 to 100% चार्ज कर देता है। एंड नाउ फाइनली बात करते हैं वर्डिक्ट के बारे में, कि क्या ये फोन आपको खरीदना चाहिए करीब 19,000 रुपए में। जो चीज आपको मिलती है करीब 6GB रैम, 128GB ऑफ इंटरनल स्टोरेज, ये फोन देखो ओवरऑल आपको काफी बढ़िया चीजें देता है। अगर आपको परफॉर्मेंस बढ़िया चाहिए, एक बढ़िया रिलायबल कैमरा चाहिए जिससे आप वीडियो बहुत ज़्यादा शूट करते हैं, साथ ही साथ एक बढ़िया स्क्रीन, अगर आपको हल्का फ़ोन चाहिए और एक हाथ से यूज़ करने वाला चाहिए फ़ोन, तो ये फ़ोन आपको वो सारी चीज़ें प्रदान करता है। ऑलराइट गाइस, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये फ़ोन लेना चाहिए या फिर आपके पास कोई और ऑप्शन है। देखो, इसको हमने कंपेयर कर रखा है Realme 9 Pro के साथ, वो वीडियो जरूर जाकर देखना, आपको और थोड़ी क्लैरिटी मिल जाएगी। उसके अलावा ये फ़ोन मुझे तो काफ़ी बढ़िया लगा, स्पेशली अगर आप जिनको परफॉर्मेंस बढ़िया चाहिए एक बढ़िया डिस्प्ले के साथ। ऑल राइट, मिलते हैं जल्दी कुछ ऐसे वीडियो के साथ। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।